डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, एक काम हमारे लिए अब आसान हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 18 है, ये क्लास 5 का मैथ है और ये जो है आपके सामने पेपर है इस तरह से। अब आसान ये हो गया है कि मेरे पास जो पीडीएफ फाइल बना हुआ है मैथ का, तो उसको मैं मोबाइल से ईजिली प्रिंट कर सकता हूँ। और मेरे पास कंप्यूटर तो है लेकिन वो ख़राब हो चुका है और प्रिंट मैं कर नहीं पा रहा था और काफ़ी सारा क्वेश्चन लिखना पड़ता था, उससे ज़्यादा मुझे समय का जो है वेस्ट होता था समय। और अब जो है मैं मोबाइल से उसको प्रिंट कर सकता हूँ आसानी से, इसीलिए मुझे इतना सारा क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 83 है। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक्सरसाइज 83 का आंसर बना के दीजिए हम लोगों को। हालांकि ये एक रिविजन चैप्टर है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ लिए हैं इसमें एक्सरसाइज क्लास 5 का मैथ में, तो उसमें जितना भी मैथमेटिक्स हम लोग को मिला उसमें आपको शॉर्ट में ये दिया गया है थोड़ा बहुत करके एक्सरसाइज रिवीजन करने के लिए। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ लेट्स गेट रेडी फॉर एग्जामिनेशन, मतलब जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से एग्जामिनेशन एक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है शुरू से लेके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वन नंबर में क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स। अब इसका नंबर नेम लिखना है, काफ़ी आसान है, आप लोग वैसे भी जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, तो इसको जो है इसमें लिखना है वर्ड्स में और इसको जो है इस तरह से फिगर नंबर्स में लिखना है। फिर यहाँ थ्री नंबर में राइट द फॉलोइंग, ये रोमन नंबर है, इसको जो है नॉर्मल हम लोग को इस तरह से लिखना है। तो आइए मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है क्लास 5 मैथ हो गया, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 18 हो गया, एक्सरसाइज 83 सॉल्यूशन, इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, इसीलिए क्वेश्चन लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ये वन नंबर में, वन का ए में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ, वन टेंस 100,000, 10,000 थाउजेंड, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 64 लाख का हम यहाँ पे एक कॉमा लगा सकते हैं, इससे हमको आसानी हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा 64 लाख, ये हो गया इसका वर्ड्स में आंसर। आंसर हो गया इसका जो है 64,05,217, ये हो गया। बी नंबर में लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर यहाँ लगाते हैं, इसका मतलब है कि 10,000 यहाँ पे हो गया, मतलब 10,000 लाख, 4 लाख हो जाएगा, 4, ये हो गया 4,70,801, ये कंप्लीट हो गया। सी नंबर में यहाँ पे यहाँ हो गया 3 और फिर यहाँ ये हो गया, और इसका मतलब है कि 10,000 लाख, 10 लाख, 46 लाख, फोर्टी सिक्स लाख 389, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया 3, फिर ये 2 और फिर ये 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 लाख हो गया, करोड़, लाख के बाद करोड़ आ जाएगा, तो 5 करोड़ ये लिखा जाएगा इसमें। ये हो गया टी नंबर में 5,39,06,310, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, इसको नंबर में लिखना है। तो ए नंबर में कितने लिखा हुआ है, 34 लाख, मतलब 10 लाख पे चल रहा है, 40,309, तो इसका क्या हो जाएगा, 34 हो गया, 34 लाख, लाख में पूरा हो गया, उसके बाद 1,000, तो 40,000, तो लाख में दो टो हो गया, 40,000 हो गया, 309, 34,40,309, हो गया कंप्लीट। बी नंबर में इस तरह से लिख लेते हैं, 40 लाख, मतलब 10,000 के घर में भी जाएगा, 40 लाख 4,000, मतलब 10,000 में कुछ भी नहीं है, 4,000, तो एक जीरो हो गया और 4,000 हो गया, ये 404, तो 400, फिर 404, ये हो गया यहाँ पे 40,04,404, हो गया। अब सी नंबर में, यहाँ पे 99 लाख, तो 10 लाख के घर में है ये, तो 99 हो गया, 99 लाख 99,000,
तो 99,000 हो गया, और फिर दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे 100 और 10 के घर में नहीं दिया हुआ है, तो ये दो जीरोस पे लग जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000, 99,000 और 99 लाख 99,009। ये सी नंबर का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, डी में 5 करोड़, ये करोड़ पे चल रहा है 5 करोड़, तो 5 करोड़ हो गया ये 40 लाख, उसके बाद 30,000 हो गया, 1005, तो 100 और 10 पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे दो जीरो लगा देते हैं, एक एक जीरो और फिर लास्ट में 5, ये हो गया। तो ये इसका डी नंबर का हो गया, ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 3 नंबर पे, 3 नंबर रोमन नंबर, ये इस तरह से इसको लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे ए नंबर में इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स का मतलब हो गया 10, 10 20 हो गया, और यहाँ पे 5, 25 और 2, 25 के बाद 2, 26, 27 हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं 27 यहाँ पे ए नंबर में हो गया। और बी नंबर में एल, एल का मतलब हो गया 50, 60, एक्स मतलब 10 हो गया, तो 60, 70, 80, 85 और 3, 88 हो गया, ये 88 लिख लेते हैं। और सी नंबर में एक्स, सी, सी के पीछे एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सी मतलब 100 हो गया, और यहाँ पे इसमें 10 माइनस हो गया, 90 हो गया और 5, तो इसका मतलब है कि सी नंबर में 95 हो गया। और डी नंबर में ये हो गया डी एक्स, एल से पीछे एक्स लगा हुआ है, तो मतलब एल मतलब 50 हो गया और एक्स इसमें माइनस हो गया 10, तो 40 हो गया, 40 और यहाँ पे आई एक्स मतलब हो गया 9, 40 और 9, 49 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। 4 नंबर, तो 4 का ए, ए में है 58, ठीक है 58 है, तो इसका रोमन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली स्क्रीन पे अब दिखने रहा है, तो इसका हो जाएगा 58, तो पहले हम 50 लिखेंगे, 50 एल होता है, और 5 लिखेंगे, 55 हो गया, और 1, 2, 3 ये हो गया, तो ये 58 हो गया। उसके बाद बी नंबर में, बी नंबर में 89 है, 89, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 80 लिखेंगे और फिर 89 लिखेंगे, तो 80 लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा L, 50 हो गया, 60, 70, 80 हो गया, और 9 लिखना है, तो IX, ये हो गया 9, तो 89 ये हो गया। और C नंबर में, C 99, तो 99 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 90 लिखेंगे, तो 90 लिखने के लिए XC, ये हो गया 90, और फिर 9 मतलब IX, ये हो गया 99, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद D नंबर में दिया हुआ है 74, तो 74 के लिए लिखना पड़ेगा पहले 70 LXX 60 70 हो गया, 4 लिखेंगे IV, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे ये 5 पे हम लोग आ गए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, फॉलोइंग नंबर्स ये जो दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग बहुत बना चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हो गया क्या है 950, इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है, 9 लिखे, कितना है 1, 2, 3, 4, 5 लगा देना है, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, प्लस कर देना है, फिर 5 लिखना है, 5 के बाद 4 जीरो लगाना है, 1, 2, 3, 4 फिर प्लस करना है, यहाँ जीरो लगा हुआ है तो उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद 2 जीरो लगाना है, 1, 2 फिर करना है प्लस, फिर 3 के बाद 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस करना है और 6 लिखेंगे, उसके बाद कोई जीरो नहीं लगाना क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया बी नंबर में। उसी तरह से करते जाएंगे 4, 3, 4, 3, 00, 208, तो जिसमें ज़्यादा जीरो रहेगा उसको बनाने में आसान होगा क्योंकि 00 वाला में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो 4 लिखते हैं सबसे पहले और 2, 2, 4 और 2, 6 मतलब 6 जीरो लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 और 5 जीरो लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 2 के बाद 2, तो 2 के बाद 2 जीरो लगेगा प्लस 8, उसके बाद कुछ नहीं है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी, सी तक ही है इसमें, तो 5, 1, 2, 0, 3, 7, 3, 7, 1, 8 ये हो गया, 5 के बाद कितना है 2, 2, 4
1 2 3 4 5 6 7, तो 5 के बाद 7 जीरो लगाना पड़ेगा, 1 3 4 5 6 7 प्लस 1, तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर प्लस देंगे और 2 पे हो जाएगा 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर प्लस देंगे और 2 के बाद यहाँ 0 है तो उसको नहीं लेंगे हम लोग, 3 को लेंगे, तो 3 हो गया, 3 पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 प्लस 7 पे 2 जीरो हो जाएगा, 7 1 2 और फिर प्लस 1 पे 1 जीरो और 8 पे कोई जीरो नहीं होगा। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6s इन, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6s, मतलब 2 6 यहाँ पे दिया हुआ है या जो नंबर दिया हुआ है, तो इसको जो प्लेस वैल्यू निकालना है और उसको डिफरेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ए नंबर में, ए नंबर में ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 2 6 3 0 5 6 9 1 6 9 1, इसमें 6 कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू हम ये निकालते हैं और यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं ये, तो 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे, 6 जो है 100 प्लेस पे है तो 600 लिखेंगे और यहाँ पे 6 जो है वो 100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, मतलब 6 आप लिख लीजिए और इस पे 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा देना, 1 2 3 4 5 6 6 0 हो गया। अब इसको जो है माइनस कर लेना, तो माइनस कर देते हैं इसको, डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये 6 हो गया और 6 0 इस पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 6, ये 6 यहाँ हो गया और यहाँ पे 0 0, अब इसको करेंगे माइनस, इसका डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिफरेंस मतलब माइनस होता है, तो यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6, तो यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ 9, फिर यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6B में, बी नंबर में दिया हुआ है एक नंबर 8650 3 2 6 3 2 6, तो यहाँ पे 2 6 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये 6 जो है, इस 6 का वैल्यू 6 ही रह जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, और इस 6 का वैल्यू 1 2 3 4 5, इस पे 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको डिफरेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया, 5 0, 1 2 3 4 5 और इस पे 6, माइनस करते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 हो गया, 6 में 4, यहाँ 6 चला गया तो 4 बच गया, यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पे भी 9 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे 5, ये हो गया इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो ये पेज तो खत्म हो चुका है, इसको साइड में रखेंगे। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट द नंबर्स बिटवीन, तो थाउजेंड के नंबर से इसको काउंट करना है और इसके बीच का नंबर जो है इसमें कितना डिफरेंस है उस हिसाब से थाउजेंड्स का गैप दिया हुआ है, उसको आगे बढ़ते जाना है या पीछे बढ़ते जाना है या आगे बढ़ते जाना है इसमें पता चलेगा। तो ये हो गया 7 नंबर। इसका ए नंबर, ए नंबर में दिया हुआ है 601, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे थाउजेंड कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे थाउजेंड, तो यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है, क्यों, क्योंकि ये थाउजेंड में 2 है और यहाँ पे 8 है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ बड़ा है लेकिन यहाँ बड़ा नहीं है, एक्चुअली यहाँ से देखना होगा कि यहाँ 88 है और यहाँ 92 है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक चलेंगे तो 1000 करके बढ़ाते जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो 1000 आप प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा तो देखते हैं उस तरह का कुछ आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 68 लिख देते हैं, 68 फिर 8 के बाद हम लोग 68 तो 89 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 8 की जगह 9 और यहाँ पे 301, एक तो बढ़ गया। उसके बाद इसके आगे फिर जाते हैं, 89 हो गया फिर 90 हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 690 हो जाएगा और फिर 301 जो है वही रहेगा। उसके बाद 90 हो गया, इसके बाद 92 91 हो जाएगा, 691 उसके बाद 301, ये हो गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो हमको बिटवीन मतलब इसके बीच का लिखने के लिए कहा गया है, बिटवीन मतलब हो गया बीच, तो इसमें भी नहीं रहेंगे, इसके बाद और इसके ठीक पहले तक जितना भी नंबर आ रहा है उसको लिखेंगे, तो ये नंबर आ रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, नहीं इसमें जो एक और दिया हुआ है बी नंबर में, तो बी नंबर में क्या दिया हुआ है 407,
यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 देखना है, यहाँ पे 1000 कहाँ है, यहाँ पे है और 1000 यहाँ पे है, तो इसमें गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है, तो हमको आगे जाना है, 5 से 6 जाएंगे और 7 जाएंगे, फिर 8 हमको मिल जाएगा, 8 पे हमको जाना नहीं है क्योंकि 8 से नीचे आना है, 8 से पीछे ही रहना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 402, 5 से आगे जाना है 6297, ये हो गया एक, तो उसके बाद हम जाएंगे एक 7 जाएंगे, तो 4027, उसके बाद 297, इतना ही जाएंगे, अगर इससे आगे जाते हैं तो 8 मिल जाएगा, तो वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, इसके बीच का हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, तो ये बहुत ही आसान होता है, एक्चुअली क्या होता है इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर जब कहा जाता है 8 डिजिट का, तो आप गिन कर 8 9 लिख दीजिए, जितना डिजिट का बोलेगा उतना 9 लिख देना है, तो 8 बोल रहा है तो 8 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, बस यही इसका आंसर है, हो गया कंप्लीट। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, 9 नंबर में, तो ये 9 नंबर में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लिखने में इजी क्यों होता है, तो आपको जब स्मॉलेस्ट लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, जितना डिजिट का बोल रहा है 7 डिजिट का, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 7 होने के लिए कितना लगेगा, 6 0 इस पर लगाएंगे तो 7 डिजिट हो जाएगा, तो 6 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, तो मतलब 7 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, 7 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 7 डिजिट का, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, राइट द सक्सेसर ऑफ, एक्चुअली ये वर्ड जो होता है, ये वर्ड जो प्रॉब्लम करता है कि बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, सक्सेसर लिखा हुआ है, प्रीडेसर लिखा हुआ है, कई बार इसको पढ़ चुके होते हैं लेकिन यादाश्त से निकल जाता है, वो भूल जाया करते हैं, इसीलिए, नहीं तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ प्लस वन करना है बस, ये इसमें आंसर आ जाएगा, एक बढ़ाने का रहता है, सक्सेसर मतलब एक बढ़ा देना है, तो यहाँ पे ए नंबर में क्या है, एक बढ़ा देते हैं इसको, तो यहाँ पे 58 दिया हुआ है, तो 58 59 हो जाएगा, जो लिखा हुआ है सब कुछ वही लिख देते हैं, 78 हो गया, 90 58 की जगह 9 कर देंगे, वो गया यही आंसर है। उसके बाद बी नंबर, इसमें भी वही करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जैसे ही 999 दिया हुआ, जैसे ही 1 जुड़ेगा ये 8000 हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होगा तो आप बगल में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कर लीजिए, 899 कितना 9 है, 59 है, यहाँ पे 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस कर दिए तो यहाँ पे 10 हो गया, 0 हो गया और 1 बचा हुआ है, फिर 9 1 10 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है, फिर 0 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है, फिर 10 हो गया, फिर 0, फिर 1 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 बचा हुआ है, फिर इसमें ए आ गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 पे 50 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बस ये इसका आंसर हो गया। प्रॉब्लम होने की संभावना जब होगा तो आप इसको ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, माइनस जो होता है प्रीडेसर में होता है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीडेसर, प्रीडेसर मतलब होता है एक कम कर देना, राइट द प्रीडेसर, इस वर्ड जो है वर्ड ही प्रॉब्लम करता है, वर्ड अगर आपको नहीं आता है या आप भूल गए हैं तो फिर आप जानते हुए भी नहीं बना पाएंगे, तो ये सब याद रखना है, सक्सेसर मतलब 1 प्लस करना है, प्रीडेसर मतलब 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 11 नंबर में इसको माइनस कर देना, 6785 ए नंबर, 6785 044, ये हो गया 4, तो इसमें एक माइनस कर देना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको पूरा हटा देते हैं, इसको हो जाएगा 6785043, ये आंसर हो जाएगा इसका। और बी नंबर में ठीक उसी तरह से दिया हुआ है, तो बी नंबर में 30 और 3, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3000 दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है मतलब है कि यहाँ पे 1 जैसे ही माइनस करेंगे वहाँ पे आ जाएगा 2999, 2999 इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे अब 0 दिए हुए हैं तो यहाँ पे एक वजह से माइनस होगा, आएगा यहाँ पे 2999, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप माइनस कर सकते हैं, माइनस करके देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 11, अब आसानी से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा, यहाँ पे 404 करके दिया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ाने की काफ़ी संभावना है, तो इसको यहीं पे टिक लगा लेते हैं, यहाँ पे 400 है और 444 44 और फिर यहाँ पे 40 है, तो इसका मतलब है कि 444 ये जो है सबसे बड़ा हो गया, तो ये लास्ट में लिखाएगा, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 नंबर में ये चला जाएगा, यहाँ पे 4 लगा देते हैं और यहाँ पे 44 दिया हुआ है, यहाँ 40 और यहाँ पे 400 दिया हुआ है, 00 है, इसका मतलब है कि ये 3 नंबर में चला जाएगा, और यहाँ पे 400 और यहाँ 40, इसका मतलब है कि ये 2 नंबर में जाएगा और ये 1 नंबर, सबसे पहले ये आएगा, तो यहाँ पे 12 नंबर का हो गया, 12 नंबर में सबसे 1 नंबर में आ जाएगा 04, ये हो गया, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब जस्ट उसका उल्टा बनाने के लिए कहा गया है, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए कहा गया है,
तो यहीं पे हम लोग इसको टिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा 80 दिया हुआ है, तो यहाँ 88 हो गया, यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ बड़ा से छोटा लिखना है, तो मतलब ये छोटा है, और यहाँ फिर 88, और यहाँ पे काफ़ी सारा 0 है, 30 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है और ये सबसे छोटा है, तो इसको हम 80 इसको हम लिख लेते हैं, ये सबसे पीछे चला जाएगा, ये 4 नंबर में चला जाएगा, उसके बाद 808 और यहाँ पे 8888, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, ये है, और 808 इसका मतलब है कि ये 2 नंबर में जाएगा, नहीं ये सबसे छोटा है, तो ये इसके बाद मतलब 3 नंबर में जाएगा, और सबसे बड़ा यहाँ पे है, सबसे बड़ा ये है, क्योंकि 800 के बाद 0 के बाद 8 है और यहाँ 00 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले ये होगा 1 नंबर में, फिर ये 2 नंबर में, और ये 3, ये 4, इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 नंबर में 8। ध्यान रखना है कि इसमें सभी डिजिट की संख्या सेम है, तब ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी गिनना जरूरी था, 2 हो गया 2, यहाँ पे 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आगे पीछे रहेगा, यहाँ 5 है 4 है, तो वैसे स्थिति में उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम है, इसीलिए आसानी से ये सज गया, और आंसर इसका बिल्कुल यही होगा, और यहाँ पे 2 नंबर में ये आ गया, 3 नंबर में ये आ जाएगा 88, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे यह स्टार का जो मार्क्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे देना है हम लोगों को ये बड़ा छोटा और इक्वल जो देना है, स्टेटमेंट 2, तो इसको देख के जो है इसको सही करना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, यहीं पे लगा देते हैं, उसके बाद इसका आंसर लिख लेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखने कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यहीं पे लगा देते हैं, इसको 35 हो गया और 80, तो यहाँ पे 35 मिल रहा है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ 6, तो इसका मतलब है कि ये छोटा है, तो छोटा की तरफ जो जो बड़ा होता है उधर मुँह खुला होता है, ये ऐसे होगा, इधर मुँह खुला ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 4 4 हो गया 0, तो यहाँ 4 तो है नहीं, तो 4 0 है, और यहाँ पे 3, ये 3 6 डिजिट का है, ये 3 और 3 यहाँ भी 6 डिजिट का है, लेकिन फिर भी ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ 4 है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा की ओर मुँह खुला करेंगे, ये हो गया सी नंबर में, सी नंबर यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे सी नंबर का ए नंबर बी नंबर यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सी नंबर को रफ करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 6 0 8 9 5 हो गया, और इसमें प्लस कर देते हैं 304, प्लस करते हैं तो क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ भी 9 हो गया, और यहाँ पे 8 3 11 1 बच गया, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, इतना आ रहा है, और यहाँ पे इतना है, 2 6 2 6 तो मिल रहा है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा है, तो जिधर बड़ा उधर मुँह खुला रहेगा, ये ऐसे रहेगा, हो गया। अब यहाँ पे डी नंबर में यहाँ पे मिलाना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा, ये 990 990 और फिर 99, इसका मतलब है 990 99, यहाँ 90 है, इसका मतलब है कि यहाँ डिजिट काउंटिंग कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 है, बिना कहे पूछे ये बड़ा हो जाएगा, जिसमें डिजिट ज़्यादा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब यहाँ इक्वल कोई भी नहीं है, यहाँ पे सब बड़ा छोटा है, इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ये हो गया कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 14। 15 में क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 by 3 या बाय 2 by 3, इसको 2 और 3 से इसको टेस्ट करना है कि ये डिविजिबल है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो इसको 15 नंबर यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से कट रहा है तो कैसे पता चलता है, ये ए नंबर में 8 इसके बारे में ये चैप्टर 5 में दिया हुआ है, तो चैप्टर 5 का वीडियो जो है कम्प्लीटली मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसमें जो है उसका इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें ही सारा कुछ मैंने बतला दिया है, डिविजिबिलिटी नियम जो है उसको बतलाया मैंने, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 3 1 2, अब यहाँ 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो ये जो है इस डिजिट को यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो ये 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 2, ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 2, ये 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है कि नहीं, तो
थ्री, थ्री से कटने के लिए इसको इस तरह से प्लस किया जाता है, एट हो गया प्लस फाइव, प्लस जीरो को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ने वाला है नहीं, थ्री प्लस वन प्लस टू, तो एट फाइव थर्टीन, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया, सेवनटीन एटीन नाइनटीन, इक्वल टू नाइनटीन आ रहा है, तो नाइनटीन थ्री का टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल। ये हो गया, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में, बी नंबर में थ्री से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये टू से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर रहेगा तो वो डिविजिबल रहेगा, या जीरो रहेगा तो डिविजिबल रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय टू है। उसके बाद थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, नाइन प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर, यहाँ पे नंबर जो है वो फोर नंबर ही है क्योंकि जीरो जीरो प्लस करने से बढ़ने वाला नहीं है या घटने वाला भी नहीं है, तो यहाँ नाइन फाइव सिक्स फोर कितना हो गया, फोर्टीन हो गया, फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी, ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर हो गया, ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर थ्री का टेबल में आता है, इसका मतलब है कि डिविजिबल बाय थ्री, ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है, ये नंबर जो है दोनों से डिविजिबल है, ये नंबर जो है सिर्फ टू से डिविजिबल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले पढ़ना होगा, राइट ए फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट डिविजिबल बाय नाइन। तो फोर डिजिट का एक नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल बाय थ्री होगा लेकिन डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय नाइन, तो इसमें 16 नंबर का कोई भी एक नंबर हम लिख सकते हैं, तो एक कोई भी ऐसा नंबर लिखेंगे जो थ्री का टेबल जोड़ने पर थ्री का टेबल में आएगा लेकिन वो नाइन का टेबल में नहीं आएगा, तो नाइन का टेबल में 24 नहीं आता है, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं इसमें, इसका आंसर जो है जो दिया हुआ है बिल्कुल वही नहीं होगा, डिफरेंट आंसर हो सकता है, तो इसी नंबर को हम लिख देते हैं क्योंकि 24 जो है थ्री का टेबल में आता है, नाइन का टेबल में नहीं आता है, थ्री से वो डिविजिबल होगा लेकिन नाइन से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय नाइन, तो इसी को हम लिख देते हैं या जीरो हटा देते हैं, इसको लिख दिए, और ये जो है डिविजिबल बाय नाइन, डिविजिबल बाय थ्री, ये थ्री से डिविजिबल है लेकिन नाइन से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह का और भी दूसरा कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, इसमें आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन से बाहर हो रहा है। फाइंड मतलब खोजने के लिए बोल रहा है, ये स्मॉलेस्ट नंबर दैट राउंड टू, राउंड मतलब इस्टीमेट क्वेश्चन है, ये इस्टीमेट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है, तो वो कौन से चैप्टर में है अभी हमको याद नहीं है, आप देख लेंगे उसको, या फिर जानते होंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को, राउंड टू और राउंड ऑफ या एस्टिमेट लिखा रहता है, तो इसमें राउंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है एस्टिमेट नंबर रहती है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दैट राउंड टू 700, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट राउंड टू 700, तो यहाँ पे 700 का राउंड ऑफ नंबर एक लिखना है सबसे छोटा, कहने मतलब उससे छोटा अगर हुआ तो 700 पे नहीं आ पाएगा, तो हम 650 लिखते हैं, अगर हम 650 से नीचे लिखते हैं तो वो 600 में चला जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, 650, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो गया। और इसमें जो है बी नंबर में, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यहाँ बता रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट राउंड्स टू 700, तो 700 का ग्रेटर नंबर क्या होगा, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर था, अब ये ग्रेटर नंबर मतलब वहाँ तक वो जा सकता है, अगर उसके आगे किया तो ये 700 से 800 में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जा सकता है 749 तक जा सकता है, अगर 750 तक गया तो वो फिर 800 में चला जाएगा, इसीलिए ये 749 तक जाएगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। तो आप लोग अगर एस्टिमेट क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो फिर आपको ये समझ में आना मुश्किल है, तो अगर नहीं बनाया है तो एस्टिमेट जिस चैप्टर में दिया हुआ है वहाँ पे जाकर आप, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं, उसको देखने के बाद ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हो जाता है, और इसके आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 से वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदलाव हो गया, और एक वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं अगले पार्ट में दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक वीडियो में देना मुमकिन नहीं है, तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।